రైతు సంక్షేమానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని లోక్‌సభలో ప్రకటించారు. వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ మోదీ నేతృత్వంలోని రైతు సర్కార్ కేంద్రంలో ఉందని చెప్పారు. స్వామినాథన్ కమిషన్ ప్రకారం ఎంఎస్పీని 50% జోడిస్తే విపక్షాలు ఖండించాయని చెప్పారు. जैसा कि आप जानते हैं कि एमएसपी की लीगल गारंटी को लेकर और जो 3 कृषि कानून आए थे उनकी वापसी को लेकर एक बड़ा आंदोलन हरियाणा पंजाब में हुआ था. अभी माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि हरियाणा के किसान को नमन भी कर रहे थे और उससे पहले प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा प्रत्येक मानव जीवन अनमोल है. इस आंदोलन में 750 किसानों की जान कुर्बान हुई थी जिसमें से ज़्यादातर हरियाणा और पंजाब पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के किसान थे. मैं माननीय मंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जब समझौता हुआ सरकार के साथ तो कहा गया कि इन किसानों की मदद की जाएगी, जो परिवार जिनके जिनके जीविका मंत्री जी लेने वाला व्यक्ति चला गया मगर अभी तक उनमें नौकरी नहीं दी गई है. क्या सरकार सोच रही है कि इनको इन परिवारों में रोजगार दिया जाएगा? माननीय अध्यक्ष महोदय गए थे हरिभजन को ऑटन लगे कपास. इस प्रश्न का मजाक नहीं है, ये इस प्रश्न से संबंधित नहीं है. फिर भी माननीय अध्यक्ष महोदय मैं ये कहना चाहता हूँ. माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं. माननीय अध्यक्ष महोदय मैं दृढ़ता के साथ कहना चाहता हूँ किसान कल्याण के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, पूरी तरह से प्रतिबद्ध. और जहां तक आप बात कर रहे हैं किसान के कल्याण की, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है. आपके समय माननीय अध्यक्ष महोदय आपके समय स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई थी 2006 में और उस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि किसानों की लागत में 50% लाभ जोड़कर मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय किया जाए. इनकी सरकार ने इनकार कर दिया था माननीय अध्यक्ष महोदय को नहीं किया जा सकता, इनकार कर दिया. मेरे पास दस्तावेज है माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कैबिनेट नोट जो मैंने राज्यसभा के पटल पर रखा था, इनने माननीय अध्यक्ष महोदय साफ इनकार किया. इनके मंत्री कांतिलाल भूरिया थे, उन्होंने कहा कि 50% मुनाफा जोड़कर नहीं किया जा सकता. आदरणीय शरद पवार जी कृषि मंत्री थे, उन्होंने भी कहा कि नहीं दिया जा सकता. और माननीय अध्यक्ष महोदय थॉमस साहब ने भी कहा नहीं दिया जा सकता. ये कैबिनेट नोट इनकी सरकार का जिसमें इन्होंने कहा था एमएसपी उत्पादन की वृद्धि निर्धारित करने से मंडी में विकृति आ जाएगी और ये किसी कीमत पर नहीं किया जा सकता. ये हाथी के दांत जो खाने के और है और दिखाने के और है नरेंद्र मोदी.